स्टूडेंट वी कंटिन्यू द चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज. वी डिस्कस ऑन द फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन द प्रीवियस वीडियो. टुडे वी डिस्कस ऑन द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग आयरन रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना. आप देखते हैं जंग मतलब वो लड़ाई का जंग नहीं समझिएगा. जंग मतलब होता है कि उसका रिएक्शन करने के बाद जो फेरस ऑक्साइड बनता है, जो ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का जो होता है, जिससे क्या होता है कि लोहे कमजोर हो जाते हैं. बट रस्टिंग द दे आर द केमिकल चेंज. ये रस्टिंग और जो आयरन होता है ये केमिकल चेंज है. इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उससे फिर वो लोहा नहीं बन सकता है. यानी कहने का मतलब इससे क्या होता है, दैट इज द प्रोसेस विद द कोरिजन. इसको हम लोग बोलते हैं कोरिजन. क्लास 10 तक पढ़ना है आपको इसको. कोरिजन क्या होता है? कोरिजन से मतलब होता है मेटल. जितने ही मेटल है, मैं लोहे की बात किया कर रहा हूँ, अदर और ही मेटल्स है उसमें भी रस्टिंग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी जो क्वालिटी खराब होती है. ठीक है, तो दैट इज द केमिकल चेंज. फॉर दिस प्रिवेंट दिस केमिकल चेंज वी यूज द सम टेक्निक. जो उसमें कुछ टेक्निक इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्योंकि आयरन इज द एविडेंट अमाउंट इन आवर अर्थ. हमारे बहुत बड़ी मात्रा में है, तो चूंकि बड़ी मात्रा में है और देयर द हार्डेस्ट सब्सटेंस, बहुत मजबूत भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसके हवा पानी से लगने से इस पर रस्टिंग हो जाता है. तो इस रस्टिंग को करने के लिए, दूर करने के लिए पहला एक तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द मेक ए थिन लेयर ऑफ द जिंक ओवर द आयरन. आयरन के ऊपर एक थिन लेयर जो है हम लोग एक जस्ते का चढ़ा देते हैं. ठीक है, जो जस्ते के जो हम लोग चढ़ाते हैं, जैसे कि आप जो बाल्टी लेते हो तो देखना बाल्टी में जो ऊपर जो होता है वो लोहे की बाल्टी होती है, लेकिन उसके ऊपर में जो एक चद होता है, चाहे वो बक्सा जो देखते हो, जैसे कि आपका जो रामनगर में तरुण बक्सा दुकान जो जहाँ बड़े बड़े बक्सा बनाता है, उसमें देखिएगा जो चदरा इस्तेमाल करता है, चदरे के ऊपर एक लेयर जो चढ़ाया जाता है लोहे का ही है. बक्सा एक्चुअली में लोहे का है आपका, लेकिन उसमें जो एक परत जो जीप पे चढ़ा दिया है, और जिससे क्या होता है लोहे में एक मजबूती आ जाती है और दे रेसिस्टेंट फॉर द कोरिजन, वो रस्टिंग से बचता है. ठीक है, तो ये तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं गैल्वनाइजेशन, जिससे क्या होता है कि जस्ते का पर चढ़ाने पर उसमें जंग ना लगे. अब देखिए गैल्वनाइजेशन जो प्रोसेस होता है, तो एक बता और भी है कि ये तो कंपनी या फैक्ट्रियों में हो पा सकता, पॉसिबल है. अब घर में हम लोग क्या कर सकते हैं, दिवाली के समय में आप देखे होंगे कि आपके जो दरवाजे चाहे जो गेट जो लोहे का है उसको पेंट करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि वो पेंट करने से एक तो खूबसूरती बढ़ती है और दूसरी बात आप तो उसको जंग से भी बचाते हैं, जंग उसमें रस्ट नहीं लगेगा. ओके, तो दैट इज प्रॉब्लम. उसके बाद देखिए ये तो दो प्रोसेस में बताया कि पहला प्रोसेस बताया कि आप गैल्वनाइजेशन कर लीजिए, दूसरा बात हो गया उसको पेंट कर दीजिए. तीसरा जो प्रोसेस होता है कि उस स्टेनलेस स्टील को और भी मजबूत और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या उसको और भी उसमें मिक्स करते हैं, जैसे कि आप स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, जो घर में स्टील का बर्तन इस्तेमाल करते हैं, दे आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द स्टील सॉरी आयरन. वो आयरन से उसमें निकेल कोबाल्ट मिक्स करके बनाते हैं. स्टेनलेस स्टील देखिए इसमें कभी जंग लगता ही नहीं है, है ना, मैंने वो सालों साल आपका चमक एकदम उसका एक जैसा रहता है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है दैट द यूज फॉर द रस्टिंग, यानी कि इस केमिकल प्रोसेस को रोकने के लिए ये सब तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं. अब रहा बात एक और, हाँ एक बता और, एक और भी बता रहा बचाऊ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब देखे होंगे आपका जो ग्रिल व्रिल जो आपका जो घर में होगा वो पूरा एकदम लगता होगा स्टील का, चाहे आप गाड़ी का हैंडल जो देखते हैं वो भी आपका जो है लगता हुआ कि स्टील का, स्टील नहीं है. दैट मीन्स द इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय द क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं. इसका भी जैसे जिससे भी क्या होता है कि आपका लोहे का जो उम्र है वो बढ़ जाता है. अब रहा बात, ये तो मैंने बताया आपको केमिकल चेंज का. अब रखिए क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि दे द प्रोसेस वी कैन ऑब्टेन द क्रिस्टल फॉर्म ऑफ द सॉलिड थिंग्स. जैसे आप जो आप नमक खाते हो तो नमक इज ड्राइव फ्रॉम द सी वाटर. सी में बहुत सा नमक है, इतना नमक है कि उसको क्या करते हैं कि बस धूप में उसको पानी को छोड़ देते हैं, उस जैसे वो एवेपोरेट होगा वो क्रिस्टल रूप में वो जो आपका बच जाएगा. तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस जो हो गया जिसके थ्रू से हम लोग नमक को निकाले. तो नमक जो होता है वो फिजिकल प्रोसेस एक तरह से कहिए, क्रिस्टलाइजेशन ही तो फिजिकल प्रोसेस. उसमें क्या होता है कि फिर नमक को पानी में डाल दीजिए तो फिर वो
उसमें आराम से मिल जाएगा, फिर उसको पानी को निकालना चाहे तो निकल जाएगा, यानी कि ऑपरेट करके वो कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये फिजिकल चेंज हम लोग कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपका जितने मैंने वीडियो बनाया उस अगर सारे वीडियो को अगर बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कोरोना काल बहुत ही ऐसा मूवमेंट है कि आपका एक एक दिन इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे वीडियो को ठीक से देख नहीं रहे हैं तो समझिए कि आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें और हम उम्मीद करते हैं कि आप हर वीडियो को जो भी टीचर बना के दे रहे हैं उस सारे को वीडियो को देखिएगा, और देखने से क्या होगा कि आपको ज्ञान जरूर बढ़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।